मैं एक माँ हूँ, माँ के जज्बात को अच्छी तरह समझती हूँ। औलाद के लिए औरत के जज्बात कभी भी जाग सकते हैं। इतने सालों बाद उस वक्त उसे एहसास नहीं हुआ जब वो छोटी सी बच्ची को रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़कर चली गई थी। कहाँ जाने की थी आर्या भाई? मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। अच्छा ना बताओ, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पे खुद डिजाइन किया, कैसा है? थैंक यू, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत की बात नहीं, मैंने बहुत चाह से तुम्हारे लिए बनवाया। डैड। हाँ लेकिन हमने। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई। ये तो बता दो कि हमने जाना कहाँ है। हुरैन के घर। एक्चुअली आप साथ होंगे तो अंकल आंटी मुझे हुरैन से मिलने देंगे। क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? आपके जानने की जरूरत नहीं है, ये अलीजे का निजी मामला है। हाँ तो मैं माँ हूँ आलिया की, मुझसे कैसा पर्दा? डैड। अच्छा भाई चलो देख लेते हैं क्या होता है, चलो। फरजाना आंटी इतनी हाइपर है ना, इसलिए बस मैं आपको साथ लेके जाना चाहती हूँ। हाँ बेटा होना भी चाहिए, बेटी का मामला है, माँ बाप को औलाद के लिए सेंसिटिव होना चाहिए। चले। दादी को हम क्यों ना साथ ले लें? मैंने पूछा था उनसे, उन्हें अपनी फ्रेंड्स के साथ मूवी पे जाना है। आपकी मम्मी तो अपनी फुल लाइफ एंजॉय कर रही हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, लाइफ में डिप्रेशन और स्ट्रेस के बगैर एंजॉय ही करना चाहिए। चलें डैड। हाँ हाँ चलो। ये क्या किया तुमने, सारी पिक्चर खराब कर दी। हाँ तो फिर इस पिक्चर में से अपने आप को क्रॉप करो, सारी पिक्चर अच्छी हो जाएगी। तुम बहुत बोलने लगे हो। एक्सक्यूज मी मीना, बोलता मैं पहले भी था। ओ आज तुम लोग के साथ सीन हुआ तो तुम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है। चलो हटो, हमें फेसबुक पे पिक्चर भी अपलोड कर दो। फेसबुक पे लाइव जा रहे थे। जो भी करना करो लेकिन मुझे भी साथ इंक्लूड कर लो, मैं बहुत तन्हा तन्हा अकेला लोनली लोनली बोर हो रहा हूँ। तुम ऐसा करो अपने अब्बा की एक और शादी करवा दो, लगेगी। अभी जब मिस शफकत का सरप्राइज टेस्ट आएगा ना तब पता चलेगा। ये मेरे पास तो बुक नहीं है लेकिन चैप्टर नंबर 5 से आ रहा है। या खुदा इस लड़के को कब पकड़ आएगी, सब कुछ पता है तो सरप्राइज कैसे हुआ? वो तो जब मिस शफकत आएंगी तभी पता चलेगा। एक तो एक्स्ट्रा क्लासेस में जीना मुहाल किया। पढ़ने का तुम्हें वैसे ही शौक नहीं है, सादी क्लासेस में जाती नहीं हो, एक्स्ट्रा क्लासेस में जीना माहौल खराब। लुक हू इज टॉकिंग। मार लो तुम लोग दोनों जितने ताने मारने मुझ पे। जिस दिन मैं यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करूंगा ना तब तुम लोग को नजर आएगा। क्यों, तुम्हारे पापा के बिजली का महकमा खरीदने वाला है? नहीं आर्यन बल्ब इजाद करेगा। मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम जैसी लड़कियों के लिए शर्फू को 300 रुपए दिए टेस्ट का पता कराने के लिए। तो अब क्या हम तुम्हें पैसे वापस करेंगे? पढ़ना नहीं, पैसे वापस करेंगे। मैं मानती हूँ अंकल की गलती मेरी है, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी। लेकिन मैंने आपसे तो कुछ नहीं पूछा ना, फिर क्यों बताना है? देखिए आपका गुस्सा बिल्कुल ठीक है लेकिन हुरैन मेरी भी बेटी जैसी है। लेकिन बेटी है नहीं आपकी। मेजर साहब अगर आपकी बेटी होती या आप बेटी जैसा समझते तो जिस वक्त ये वाकया हुआ था उस वक्त आप मेरे पास आते, हम दर्दी दिखाते, मुझे इनको पकड़वाने में मेरी मदद करते, लेकिन आप नहीं आए। एक मिनट। आपको लगता है कि अलीजा ने हुरैन से लड़ाई की है तो उसने कोई जुर्म किया? अलीजे, अगर आपने अपने वालिद साहब को कुछ नहीं बताया तो आप आई क्यों हैं? इनको यहां लेकर क्यों आई है, किसकी वकालत करने के लिए? वो अंकल। मेजर साहब बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जिसे अपनी बेटी समझ के बात कर रहे हैं ना, काश पाप बनकर सोचते तो उसके बारे में बात करना दर्द का ना, सोचना भी नहीं चाहता।
अलीज़े आपने क्या छुपाया है मुझसे? कलेजा कट जाएगा आपका ये बात सुन के। बेटियां तो माँ बाप की आंखों का तारा होती है ना। सारे ने बस बस बाकी बस मैं और नहीं सुनना चाहता कुछ। बेटी जैसी हमारी तो बेटी। हमदानी साहब मैं तो नहीं रुकूंगी। शायद मुझे बात आपसे कहनी नहीं चाहिए लेकिन हम आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं। सॉरी, वो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रियली सॉरी। मेरी फ्रेंड्स कहती है कि तुम जैसी दोस्त की मुझे जरूरत नहीं है अलीज़े, और वैसे भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुमने मुझसे माफी मांग ली और बस मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। बेटा मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कुछ ना कहें। अंकल अक्सर ऐसे वक्त में अल्फाज जुबान का साथ छोड़ देते हैं और एहसास इंसान के अमल को तरो तरो बोल देता है। मुझे अब किसी से कोई शिकवा नहीं अंकल। मैंने हुरैन को इतना खुश कभी नहीं देखा। और मेजर साहब वो तो बहुत हमदर्द इंसान है लेकिन सारिम की पिटाई के सुनकर हुरैन के चेहरे की रौनक से साफ जाहिर है कि फरसाना जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। कहीं हमारी हुरैन को सारिम से सब कुछ सच है तो हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। सारिम को उसके किए की सजा दिलवानी पड़ेगी। मुझे हमदानी साहब से अकेले में बात करनी चाहिए। क्या हाल है जनाब? तुम हुरैन से मिलने गई थी? हाँ। आंटी से इतनी बातें सुनने के बाद फिर भी तुम उसके घर पहुंच गई? मुझे हुरैन और आंटी से माफी मांगनी थी। फिर माफ किया? हाँ लेकिन। लेकिन क्या? दोस्ती खत्म कर दी। मैं जानता था ऐसा कुछ होगा। यूनिवर्सिटी पर भी मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी लेकिन अब वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या करें रोहान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कितना अच्छा चल रहा था और अब कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा।
खैर, वक्त सारे जख्म भर देता है, थोड़ा सा टाइम वेट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। करेंगे करेंगे, सब तुमसे बात करेंगे, बस तुम अपना दिल बड़ा रखो। दिल बड़ा होना बीमारी नहीं अब्बा? यार मैं कुछ कह रहा हूँ, तू कुछ और समझ रहा है। अब्बा बिल्कुल ठीक कहते थे, मेरे सारे के सारे दोस्त एक नंबर के निकम्मे और नखट्टू हैं, नालायक। चलो कोई बात तो मेरी तेरी समझ में आई ना। लेकिन अब्बा क्या करूं, मुझे इन सबसे बहुत मोहब्बत है। अल्लाह ने तुझे भी मुझ जैसा दिल दिया है, सबसे बराबर की मोहब्बत करता है। कहां से बराबर की मोहब्बत? आपको तो अपने बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी अम्मियों से मोहब्बत है। और मुझसे किसी को शिकायत तो नहीं है ना? ये आपसे किसने बोला? सबको आपसे शिकायत है। किसने क्या बात की है? हर पुरानी अम्मी को नई वाली अम्मी से शिकायत होती है, और जब से आप ये ब्रांड न्यू वाली अम्मर अम्मी लाए ना, इनसे तो सबको परेशानी है। अम्मी की वजह से? वो क्या है, मुझे तो किसी ने कोई बात नहीं बताई। आप होते कहाँ हैं जो सुनना पड़े? कभी फार्म तो कभी तबेले, कभी पप्पो तो कभी जमीने। हम जमींदार लोग हैं, घर बैठ के औरतों की गुलामी नहीं होती। तो मैं आपसे कौन सा ये करने को कह रहा हूँ? मैं तो बस आपको सिर्फ सारी शिकायतें बता रहा हूं। कौन क्या कहता है मुझे बताओ। अंबर अम्मी को बट्टन अम्मी का नाम समझ में नहीं आता, बट्टन अम्मी को अंबर अम्मी के कपड़े समझ में नहीं आते, और सारा आंटी तो हर वक्त खुर्रम सुल्तान में नहीं घूमती रहती हैं, और मायदा अम्मी के हर वक्त दिमाग में चलता रहे खाने में क्या पकेगा। लेकिन इससे मेरा इतना मसला नहीं है। तो इसमें मुझसे क्या शिकायत है? आप होंगे तो शिकायत होगी ना, सारे सवालों के जवाब तो मुझे देने पड़ते हैं। आप तो बस शादी करके पार्क करके चले जाते हैं घर पे। वो सब एक साथ रहने की आती है। अभी किसी को अलग कोठी लेके दे दूं ना, तो सब अलग अलग कोठियां मांगेंगे और खानदान का शिराजा बिखर जाएगा। ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा मुझे अपने सारे दोस्त वापस चाहिए। मिल जाएंगे, फिक्र ना कर तू, मिल जाएंगे। आ वक्त आता नहीं है, लड़ना पड़ता है। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। गवाह हैं, लेकिन उनकी गवाही किसी काम की नहीं है। अगर हम मेडिकल करवा लें तो? नहीं भाभी, ऐसा सोचिएगा भी मत। मेडिकल करवाने का मतलब है कि बात मीडिया तक लाना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेजर साहब, मैं भी इसी शशोपन में मुबतला हूं। लगता है कोई दरमियानी रास्ता ही निकालना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा हो कि सारिन या तो कन्फेस कर ले या सरेंडर। कुछ भी करें, कैसे भी करें, मैं बस अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। हौसला रखे फरजाना बेटी, कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, कुछ प्लान कर रहे हैं। आप बस प्लान ही करते रहिएगा, पानी सर से ऊंचा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? सारिन को अकेला करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकेगा मेजर साहब, आपको पता तो है कि खालिद साहब और आर्यन कितने बड़े सपोर्टर हैं उसके। खालिद साहब की सोर्स कहां तक है बताया, और उनकी शह पर ही सारे में सब कुछ करता है। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए उन्हें इस दुख का अंदाजा ही नहीं है। कितनी अजियत, कितनी तकलीफ है ये। खाली सब कह रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं है इन सब चीजों का, मेरा मजाक उड़ा रहे थे वो तो। मजाक?
आपको तो सबक सिखाना चाहिए। मेजर साहब एक बात समझ नहीं आती, ये सब लोग सारिम की फेवर में है क्यों वैसे? अब सारिम के मामू क्या मतलब? हुरैन पे से उन्होंने शांति का भूत उतारा था ना, वो बहुत पढ़ने फूकने वाले हैं। हो सकता है कि सारिम ने पैसों का लालच देकर खालिद भाई और आर्यन को कुछ खिला पिला दिया हो। अरे नहीं नहीं फरसाना बेगम, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। दिल तो चाह रहा है कि उनकी सारी की सारी बटालियन को बम से उड़ा दिया जाए। हौसला रखें मेजर साहब, हौसला रखें, वक्त का इंतजार करें जैसा कि मैं कर रहा हूं, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। देखिएगा चाय पिला दो। आए दिन यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम्स होती रहती हैं और मास्टरिंग की जरूरत पड़ जाती है। हम अपनी तौर पे जितना हो सकता है उतना हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब से ये एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हुई है ना, मेरी जिंदगी हेल हो गई है, पर्सनल लाइफ मेरी खत्म हो चुकी है। कि कब तक अपने हस्बैंड को ये कहूँ कि मास्टरिंग वाले बिजी है, मेरी नन की शादी है, उसकी शॉपिंग करनी है, 10 और तैयारियां करनी है, पर मेरे पास टाइम ही नहीं है। कब तक आप लोग इस तरह से करेंगे? मैम रोहान के पास हर मसले का हल पहले से ही मौजूद होता है, आप यूनिवर्सिटी संभाल लें और हम आपकी नंद की शॉपिंग समाप्त करें। गुड आइडिया, दैट्स वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो आपके हस्बैंड के साथ मैं जाके वेन्यू संभाल लेता हूँ, और जहाँ तक केटरिंग और पार्लर की बात है वो आई एम श्योर अलीजा और हुसैन संभाल लेंगे। मेरी साइंस कहती है कि अब मैं मास्टरिंग का हिस्सा नहीं हूँ।